हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर जो भी हैं वो आप इजीली बता सकते हो बिना कोई स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए। जनरली हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उससे हम देखते हैं कि किसके कितने टोटल पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं। उसमें दिक्कत ये आती है कि हमारी एक या दो स्ट्रक्चर जो होती है वो रह जाती है, वो हम नहीं बन पाती, या फिर क्या होता है कि दो सेम स्ट्रक्चर बन जाती है और हम उनको भी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं वो या तो इंक्रीज हो जाते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं, मतलब संख्या जो होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है और आंसर जो होता है वो गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन रॉन्ग आ जाता है, माइनस वन आंसर मतलब माइनस वन चला जाता है उसका, राइट। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक को यूज करके आप बिना कोई स्ट्रक्चर को ड्रॉ किए आप आइसोमर्स निकाल सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। देखो, ट्रिक को यूज करने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी होती है। ठीक है, पहली चीज, आपको जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, मेनली तीन आपको याद रखने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल C3H7 हो गया। ठीक है, C3H7 के दो स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। फिर आपका हो गया C4H9, तो C4H9 के फोर स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। फिर आपका हो गया C5H11, इसके टोटल पॉसिबल होते हैं 8, राइट। और आपको आइसोमेरिज्म का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज है तभी आप ये कर सकते हो। अब दूसरा, आपको ये पता करना है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनी है, तो आपको जब बेसिक्स पढ़ोगे तो बेसिक्स में आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया जाता है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनी। ठीक है, हाल फिलहाल हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्ट्रक्चर की, हमें सिर्फ नंबर पता होना चाहिए कि आपको C3H7 के कितने बनेंगे, 2, C4H9 के 4 बनेंगे, C5H11 के 8 बनेंगे, राइट। देखो, अब दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, दूसरी चीज आपको याद रखनी होती है DOU। DOU क्या होता है, DOU होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको DOU निकालना नहीं आता है तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये ट्रिक होगी। अब ट्रिक कैसे, अभी ये मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो चीज आपको पता होनी चाहिए इस ट्रिक को यूज करने के लिए। ट्रिक को कैसे यूज किया जाता है, इसको हम एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन करके देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको दे रखा है C5H12O। ठीक है, ये आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और इसके पूछे गए हैं फाइंड द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, आपको अल्कोहल और ईथर के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे ही ये ट्रिक अप्लाई होगी, अगर आपको स्टीरियो लिखा हुआ है पीछे तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, राइट। तो देखो C5H11O, राइट। अब देखो, अब हमें क्या क्या बताना है, अल्कोहल बताना है और ईथर बताना है। ट्रिक अभी से स्टार्ट होने वाली है, ध्यान से देखना। ठीक है, अल्कोहल, तो पहले हम क्या लिखते हैं, अल्कोहल। ठीक है, अब देखो अल्कोहल के लिए नेसेसरी चीज क्या होती है कि इस ये अल्कोहल होने के लिए ये चीज रिक्वायरमेंट है, किसी भी कंपाउंड में अल्कोहल के लिए ये चीज रिक्वायरमेंट है। तो अल्कोहल के लिए रिक्वायरमेंट होती है OH, OH ग्रुप होना जरूरी है तभी वो कंसिडर किया जाएगा अल्कोहल की कैटेगरी के अंदर, राइट। तो OH को हमने साइड में लिया। अब देखो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, इस कंपाउंड से जब हम OH को रिमूव करेंगे तो इसमें बचेगा क्या, C5H11 बचेगा। ठीक है भाई, OH को मैंने हटाया यहां से, एक हाइड्रोजन हटा, एक ऑक्सीजन हटा, तो क्या बचा, C5H11। और C5H11 के हमें पता है कि कितने बनेगी, 8 स्ट्रक्चर बनेगी। और अगर आप इसको बना के देखोगे तो गारंटीड आपकी या तो 7 स्ट्रक्चर बनेगी या 8 से ऊपर बनेगी। ठीक है, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तब जाकर के वो 8 स्ट्रक्चर बन सकती है। कई बार इस प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाता है जिसमें हमें एक टाइप की स्ट्रक्चर नहीं आती। ठीक है, तो या तो वो गलत, 100% चांसेस होते हैं गलत होने के, लेकिन इस ट्रिक के अंदर कोई भी चांसेस नहीं है गलत होने के आपके। ठीक है, आप बना करके भी देख सकते हो, 8 स्ट्रक्चर ही बनेगी, 8 से ना ज्यादा बनेगी ना कम बनेगी, राइट। तो हमें अल्कोहल के मिले, ठीक है, 30 सेकंड में नहीं लगे अल्कोहल को निकालने के। अब हम बात करते हैं ईथर के। ठीक है, देखो ईथर क्या होता है, ईथर होता है R1O R2। ठीक है, इस टाइप का जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें आपको क्या करना है, एक साइड सबसे छोटा रखना है, फिर उसके बाद में जो, अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन, यहां हम लगा देते हैं CH3 और यहां लगा देते हैं, जब इसमें से CH3 निकालेंगे तो क्या बचेगा, C4H9 बचेगा, राइट। जब यहां से हम CH3 और निकालेंगे तो यहां से 3H निकलेंगे, तो कितना बचेगा, H9, फिर C4। C4H9 के कितने बनते हैं, C4H9 के बनते हैं 4, क्लियर। अब देखो, अब एक एक शिफ्टिंग करते जाओ। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, C3H7, फिर आ जाएगा O, फिर आ जाएगा C2H5, क्लियर। तो यहां पे कितने बनेगा, यहां पे बनेगा 2। ठीक है, अब देखो, अब आप यहां पे शिफ्टिंग करोगे तो क्या होगा, देखो यहां पे करोगे C2H5, फिर ये आ जाएगा O, फिर ये आ जाएगा C3H7। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम हैं, तो इसके जो आइसोमर्स बनेंगे सेम इसके आइसोमर्स बनेंगे, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है,
तो देखो ईथर कितने मैंने टोटल 6 और टोटल ये कितने मैंने 8, तो टोटल आइसोमर्स इसके अल्कोहल के कितने बनेंगे 8 स्ट्रक्चर बनेगी और ईथर की कितने बनेगी 6 स्ट्रक्चर बनेगी। तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, सीधा का सीधा आप निकाल सकते हो इजीली, बिल्कुल इजी राइट। आप इसको कॉपी करो, फिर 2-3 एग्जांपल्स और करवाता हूँ, उससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरी की पूरी ट्रिक समझ आ जाएगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस ट्रिक के अंदर, बट इस ट्रिक को जब आप पूरा प्रैक्टिस करोगे आपको ये ट्रिक इजीली आ जाएगी, फिर आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे उसके आइसोमर्स निकालने के लिए। ओके क्वेश्चंस, तो देखो एग्जांपल्स करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है टोटल प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल आर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट x + y - z ओनली स्ट्रक्चर। ठीक है, जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है ये, इवन ये एडवांस लेवल को भी टच करेगा राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आपको एडवांस में भी देखने को मिलेंगे, कई बार आपको जेई मेंस में भी इस बार मिलने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करें। अब देखो जो नॉर्मल जनता होगी वो क्या करेगी, वो सारे के सारे बना करके देखेगी फिर इसको करेगी, तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम देखेंगे। बट हम क्या करेंगे, हम ट्रिक को यूज करके 30 सेकंड के अंदर अंदर इसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे राइट। तो देखो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपको जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है उसका आपको क्या करना है, जो नेसेसरी कंडीशन है वो आपको करनी है। सॉरी इसमें मैंने आपको नहीं दे रखा ना, एक सेकंड, C5H12 बोल देना ना, C5H12 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइट। तो देखो नेसेसरी चीज होती है वो क्या करनी है, आपको नेसेसरी चीज साइड में करनी है, जो चीज होनी चाहिए, और बाकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बचे उससे आपको निकालना है। देखो प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए रिक्वायरमेंट होती है CH2OH राइट। CH2OH जब हम इसमें से रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, C4H9 के कितने बनते हैं, C4H9 के बनते हैं 4। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल कितना आएगा, 4 आएगा। फिर आता है सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए रिक्वायरमेंट होती है CHOH, फिर यहां पे आ जाएगा आपका R कोई ग्रुप आ जाएगा और यहां पे आपका कोई ना कोई ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कर सकते हो आप लोग, इस तरीके से आप कर सकते हैं, CH3 हो जाएगा, देखो CH फिर OH, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे CH3, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कितने बचेगा C3H7 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है नहीं, ठीक है, तो C3H7 आएगा, C3H7 का कितना होता है, C3H7 का होता है 2। फिर वापस से शिफ्टिंग करोगे तो शिफ्टिंग करने पर क्या आएगा, C2H5, फिर आ जाएगा CH, फिर OH, फिर आ जाएगा आपका C2H5। तो इसका कितना आएगा, इसका बन आएगा, तो टोटल Y कितना आएगा, देखो ये जो X, सॉरी X है वो क्या आएगा 4, Y कितना आएगा 3। ठीक है, अब हमें Z पता करना है, तो देखो Z क्या है, Z है टर्शियरी, टर्शियरी के लिए क्या होता है, टर्शियरी के लिए होता है ये, ठीक है, यहां पे R आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये CH3 आ जाएगा, फिर ये, फिर यहाँ C2H5, फिर ये C2H5, फिर ये OH, तो ये आपका आ गया टर्शियरी। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक ही आएगा, ठीक है, तो C2H5 का एक ही बनेगा, क्योंकि आप यहाँ से बनाओ चाहे यहाँ से बनाओ एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वापस से आप फ्लिप के भी करोगे इसको तो सेम आएगा, ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर बनेगी। तो जेड कितना आएगा, वाई, सॉरी जेड कितना आएगा, वन। तो देखो x + y - z आपसे ये पूछा गया था, x कितना आया 4, प्लस y कितना आया 3, माइनस 1 कितना आएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंटीजर टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और ऑप्शन से भी पूछा जा सकता है। तो ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो प्राइमरी अल्कोहल की कंडीशन है वो लिखनी है, फिर जो बचेगा उसमें से आपको आइसोमर्स पता करना है। ठीक है, तो C4H9 बचा, उसका 4 आता है, फिर यहाँ पे देखो C3H7 बचा, ठीक है, फिर हम शिफ्टिंग करेंगे तो एक और बन जाएगा, फिर इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है शिफ्टिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, एक ही बनेगा, तो 4 + 3 - 1 = 6। ओके, आप इसको कॉपी करें, फिर एक और एग्जांपल करते हैं जिससे आपको पूरी पूरी ट्रिक समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट स्ट्रक्चर ऑफ ईथर ऑफ C4H9O C4H9 इन विच शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, जिसमें शिफ्टिंग जो है वो अलाउ नहीं की है अल्काइल ग्रुप की। सिमिलरली इसकी लैंग्वेज चेंज करके ये भी बोल सकता है C8H18O, फाइंड द नंबर ऑफ ईथर इन विच नंबर ऑफ कार्बन अराउंड द ऑक्सीजन इज सेम। यानी ऑक्सीजन के अराउंड जो नंबर ऑफ कार्बन है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, सेम ये बात है कि शिफ्टिंग नहीं करनी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ट्रिक से,
और ये एडवांस का ही क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं ठीक। तो देखो ईथर्स, अगर हम बात करें C4H9O, ये आपको दे रखा है। C4H9 के पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने हैं, C4H9 के पॉसिबल स्ट्रक्चर है चार, और इनमें से चार कौन कौन से हैं, पहला आता है आपका एन ब्यूटाइल, फिर आता है आपका आइसोब्यूटाइल, फिर क्या आता है आपका टर्सरी ब्यूटाइल, एंड लास्ट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर आपको इन सब की स्ट्रक्चर नहीं आती है, आपको नहीं पता है कि एन ब्यूटाइल किसे कहते हैं, आइसोब्यूटाइल किसे कहते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल या फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे यूज किया जाता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा राइट। तो देखो अब हमें क्या करना है, आप देखो शिफ्टिंग अलाउड नहीं है ना, आपको ये करना। देखो तो क्या करोगे आप लोग, आप लोग लिखोगे C4H9 फिर O, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख दो एन ब्यूटाइल ठीक है। ये एक तरफ क्या आ जाएगा आपका एन ब्यूटाइल आ जाएगा ठीक है। तो इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने होंगे, फोर स्ट्रक्चर पहली पॉसिबिलिटी। फिर आप क्या करो C4H9O, फिर आप क्या लिखो आइसोब्यूटाइल ठीक है। अब यहां गड़बड़ होगी, यहां पर टोटल स्ट्रक्चर आएगी तीन आएगी, क्यों, क्योंकि एन ब्यूटाइल जब आप यहां पे रखोगे तो एन ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल इसमें आ जाएगा तो सेम हो जाएगा, तो इसके लिए हमें नंबर वन कम करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें फोर है तो इसमें थ्री है। सिमिलरली आप यहां पे करोगे क्या बनोगे, करोगे C4H9O, फिर आ जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल, और सेम यहां पे नंबर कम हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा टू, क्योंकि दो स्ट्रक्चर फिर इसमें रिपीट होगी तो वो स्ट्रक्चर सेम हो जाएगी, इसको हम काउंट नहीं करेंगे राइट। फिर इसमें वापस से C4H9O, फिर आपका क्या आ जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इस बार सर इसकी स्ट्रक्चर कितनी पॉसिबल होगी, एक स्ट्रक्चर आएगी इससे ठीक है, क्योंकि तीन स्ट्रक्चर वापस से सेम रिपीट करेगी ठीक है। थोड़ा सा समझना रहेगा आपको कि देखो एन ब्यूटाइल आपने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे टोटल चार पॉसिबल स्ट्रक्चर, फिर वापस से जब आप एन ब्यूटाइल यहाँ पे लिखोगे ठीक है, एन ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल तो सेम स्ट्रक्चर रहेगी, तो उसको तो हम आइसोमेरेज में काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें बच कितनी बचेगी, तीन बचेगी बचेगी। फिर सिमिलरली इसमें देखो, अब ये दो स्ट्रक्चर सेम टू सेम इसमें रिपीट होगी तो उसको तो हम नहीं काउंट करेंगे, काउंट किस हो जाएगी जो रिपीट नहीं हो रही है, तो उसमें दो रहेगी इसमें एक, तो टोटल कितनी रहेगी, फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन प्लस टू नाइन, वन टेन, टोटल स्ट्रक्चर आएगी इसकी टेन स्ट्रक्चर टोटल है ठीक है। अब इसमें आपको मैं आपको एक और छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिसको यूज करके आप इसको और इजीली कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हैं तो देखो ठीक है, आप लोग इसको नोट करें, फिर मैं आपको इसका एक और मेथड बताता हूँ उसको यूज करके राइट। कॉपी कर लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है। अब मान लो आपको दे रखा है C10H22O ठीक, तो देखो आपको क्या करना है C5H11O, फिर आएगा C5H11O, ये आएगा, शिफ्टिंग अलाउड नहीं है, दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन रहना चाहिए, तो देखो आप क्या करोगे ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो पहली बार इसके कितने टोटल आइसोमर्स आएंगे, पहली बार इसके टोटल आइसोमर्स आएंगे एट, फिर एक एक कम करते जाओ, सेवन प्लस क्या आएगा सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, कितना आएगा 36 है इजी ठीक है। तो आपको ट्रिक में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ट्रिक को यूज करने के लिए आप प्रैक्टिस करोगे जैसे जैसे वैसे वैसे आपकी ट्रिक जो होगी वो आपकी टिप्स पर आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ठीक है। तो देखो क्या किया हमने, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्टार्टिंग में उसके टोटल आइसोमर्स आ रहे थे फोर, फिर एक एक कम होता जा रहा था, तो सेम वैसे ही किया हमने, एक एक आइसोमर एक एट आइसोमर आया, फिर एक एक कम करते जाओ 7 6 5 4 3 2 1, टोटल आएगा 36। अब अगर नॉर्मल जनता जो होगी वो क्या करेगी, ये 36 पॉसिबल नहीं है बनाना, क्योंकि गारंटीड इसमें क्या होगा आपकी गलती होगी राइट। तो इसके कितने बनेंगे 36, तो इस तरीके से आप ट्रिक को यूज कर सकते हैं ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को। पर एक और बात, अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए पूछा जाए, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए कोई ट्रिक नहीं है, उसमें आप ये मेथड यूज कर सकते हो कि जब आपको दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप फाइव मेंबर रिंग बनाओ, फिर आप फोर मेंबर रिंग बनाओ, फिर आप थ्री मेंबर रिंग बनाओ ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको गलती नहीं होगी आप ठीक है। अब ऐसा ना करें कि पहले फाइव मेंबर बना दी, फिर थ्री मेंबर, फिर वापस फाइव मेंबर, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, फाइव मेंबर की पूरी पॉसिबिलिटी खत्म करनी है, फिर फोर मेंबर की पॉसिबिलिटी देखनी है, फिर थ्री मेंबर की पॉसिबिलिटी देखनी है ठीक है। इस स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको साइक्लिक में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।